तमुनी या कौमी या फिर कोदम रेडी कर लीजिए। खीर बनकर उसका बिल्कुल रेडी हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं एक नए तरह का खीर जो बहुत कम ही लोग जानते हैं। इसका नाम ऐसे बहुत नाम है लेकिन कोई इसे टमनी बोलते हैं, कोई कौनी बोलते हैं, ऐसे इसे पौधों के नाम से भी जाना जाता है। ये फलहार में भी खाया जाता है और ये एक तरह से औषधि का भी काम करता है। इसे शुगर में या किडनी में खाने से बहुत फ़ायदा करता है, इसलिए आज हमने ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये इसके ऊपर एक चावल की धान की तरह एक कवर था जिसे हमने मसल कर, हाथ से भी मसलने से वो निकल जाता है, लेकिन हमने इसे जैसा मिक्सी में चला दिया है, चला कर इसे हमने झाड़ दिया है। तो देखिए कितना अच्छा इसमें से चावल निकल गया है। अब इस चावल को हम अच्छी तरह से पानी से धो लेंगे, धोकर इसे किसी छन्नी में छान लेंगे और फिर हम इसका खीर बनाएंगे। खीर बनाने के लिए हमने 2 लीटर दूध लिया है। खीर बनाने के लिए हमने 2 लीटर दूध लिया है। दूध को हमने बॉईल कर लिया है। बॉईल करके इसे हम थोड़ी देर तक गाढ़ा होने के लिए छोड़ देंगे। और इसका जो चावल हमने लिया है वो 150 ग्राम, इसे हम अच्छी तरह से धो लेते हैं। दूध जब थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तब हम आगे का प्रोसेस बताएंगे। दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है पहले से, अब इसी में हम चावल डाल देंगे। चावल डालकर इलायची डाल देंगे और उसके बाद एक बार बॉईल करने के बाद इसे सिम पर हम अच्छी तरह से गलने के लिए छोड़ देंगे। चावल डालकर इसे हम चला देते हैं। इसी में हम इलायची डाल देते हैं, खड़ा इलायची डाल रहे हैं, इससे इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। बॉयल हो जा रहा है, फिर हम इसे सिम करके छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट हमें उस पर रखना है। खीर जब गलने लगेगा फिर हम आपको दिखाते हैं। खीर हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए कितना अच्छा खीर बना है। अब इसमें हम चीनी डालते हैं। चीनी आप जरूरत के अनुसार अपने डालिए। कोई कम मीठा खाता है, कोई ज़्यादा मीठा, इसी अनुसार आप डाल सकते हैं इसमें चीनी। अब इसे हम मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद गैस को ऑफ करेंगे और खीर को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर हम सर्व करेंगे। सर्व करने से पहले हम इसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट्स मिलाएंगे। तो फिर ड्राई फ्रूट्स मिलाने से पहले हम आपको दिखा देंगे और फिर हम सर्व करेंगे। तो अभी हम गैस को बंद करते हैं। हमारा ठंडा हो चुका है, इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। इसे मिक्स करके हम सर्व करते हैं। टमनी की अकौनी या फिर कोदिंग जो भी कर लीजिए। खीर बनकर तबिल्कुल रेडी हो चुका है, काफ़ी टेस्टी हुआ है। इससे अच्छा खीर चावल का नहीं होता है। आप लोग को अगर मिले ये तो ज़रूर बनाकर खाइएगा, ये काफ़ी फायदेमंद भी होता है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तो आगे नए वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।